सारी गालियां देने का मन कर रहा है। थोड़ी दूर ले जाकर मार दिया गया। इसके बाद भीड़ ने महिलाओं पर हमला करना शुरू कर दिया। कि हम इंडिया में ही रह रहे हैं कि नहीं, क्या मणिपुर इंडिया में है? कपड़े नहीं उतारोगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इसके बाद प्रिय मोदी जी बोल रहे हैं कि उनको बहुत दुख हुआ है, क्रोध आया है। पुरुषों ने लेटने के लिए कहा। इसके बाद मैं खेत में लेट गई। वहाँ पे खुले आम ये सब हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? हमारे ही लोग हमारे लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये उसका परिणाम है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका समाज सेवक कुणाल चव्हाण ऑन कैमरा आया हूँ। आज पहले बार मुझे ऑन कैमरा आने की ज़रूरत लगी, क्योंकि टॉपिक ही इतना गंभीर है। मणिपुर में जो हो रहा है, जो हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। हमारे जो सरकार है, जो पुलिस की जो टीम्स है, उन लोगों ने इतना 80 डेज के बाद में एक्शन लिया है। आप देख सकते हो, मेरे पास न्यूज़ का फुटेज है। रोंगटे खड़े करने वाला ये मामला वैसे 4 मई का है, यानी जब मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा भड़की। लेकिन वीडियो अब वायरल हुआ और पहले से तनाव की लपटों में धधक रहे मणिपुर में इस वीडियो ने आग में घी का काम किया है। बैठे के वैसे तीन कुकी महिलाओं को सरेआम भीड़ निर्वस्त्र कर। तो पहले तो हम बात करेंगे कि ये कुकी और मीत ये क्या है। कुकी मतलब जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं उनकी कम्युनिटी, ऐसा मुझे नेट पे दिखा रहा है। और जो मीट्स है वो हिंदू, ये ऐसा गूगल पे शो हो रहा है, तो इतनी तो कुछ जानकारी नहीं है। और अगर लुक वाइज देखें तो दोनों भी सेम ही दिख रहे हैं। तो लेकिन जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और मुझे तो अभी ये प्रश्न पड़ा है कि हम इंडिया में ही रह रहे हैं कि नहीं, क्या मणिपुर इंडिया में है? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि इंडिया में ये सब हो रहा है, ये क्या सही है? चलो लेट्स कंटिन्यू। सड़क पर परेड निकाल रही है, सरेआम बलात्कार और हत्या, इस मामले ने देश को झकझोर दिया है। पीएम मोदी ने घटना पर क्रोध जताया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का बयान सामने आया है। सीबीआई ने बोल दिया है, हम सब दुखी हैं, देश स्वीकार नहीं, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। नेता से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर जो घटना सामने आई है, कई खबरें झकझोरती हैं, कुछ खबरें विचलित करती हैं। हमारे मोदी जी, प्रिय मोदी जी बोल रहे हैं कि उनको बहुत दुख हुआ है, क्रोध आया है। मोदी जी आपसे विनती है, आप पीएम हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, आपके पास पूरी की पूरी पावर है। तो प्लीज़ कृपा करिए और जो मणिपुर में जो सब हो रहा है उसकी जांच करिए और सब कुछ रोकिए। और एक आश्वासन तो नहीं बोल सकता मैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए या एक गारंटी दो कि यह ऐसा जो कुछ हुआ है ये फिर से कहीं भी नहीं होगा, तो ही हम आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो सिर्फ हमारा राष्ट्र हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए और हिंदू ही महान है,
हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये सब बातें मुझे तो अच्छी नहीं लग रही। इससे पहले हमें एक अच्छा मानव होना चाहिए, मानवता अच्छी से दिखानी चाहिए। और सबसे मेन बात मैं कहूँगा कि ये सब कास्टिज्म छोड़ के आप एक ऐसा प्रचार करिए कि सब लोग ओनली इंडियन, मतलब सिर्फ भारतीय का नारा लगाए, अपने कास्ट के जगह पे भारतीय लिखे, यही मेरी आपसे विनंती है। हम कंटिन्यू करेंगे ये न्यूज़ से, न्यूज़ में जरा अच्छा सा सब बताया है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सबको। शर्मसार करती है, मणिपुर में वायरल वीडियो आने के बाद ये सारे शब्द छोटे हो गए, गुस्सा, आक्रोश, क्रोध। मणिपुर जल रहा है, देश गुस्से से उबल रहा है, इंसानियत शर्मसार है, धिक्कार है। मणिपुर के धौबल में तीन महिलाओं की निर्वस्त्र परेड के वायरल वीडियो को तफसील से बताएंगे। अब मैं इनको क्या बोलूं, तकरीबन तीन महीने से कुकी और मैतई समुदायों के बीच हिंसा से धधक रहा है। वायरल वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है, यानी 3 मई को जब कुकी और मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये उसके ठीक एक दिन, रुको ठीक से नहीं दिखा रहा है, ये ऐसे हरकतें कौन करता है? ठीक है, आप में तान तनाव है, आपके दो जो रिलीजन से उसमें सब कुछ झगड़ा चल रहा है, लेकिन ये इसको और मैतई समुदायों के बीच क्या बोले हम? वायरल वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, जब कुकी और मैतई ने हिंसा भड़की थी, उसके ठीक एक दिन बाद दो तीन औरतों को कैसे लेके जाए, मैतई और कुकी के बीच सब नहीं कर सकता सच में। तो ये मेरा महिलाओं की निर्वस्त्र रिटेक, बहुत सारे रिटेक लिए हैं, बहुत पहले रिटेक में मेरे मुंह से बहुत सारी गालियां निकली इनके ऊपर, इसलिए ये वीडियो मैंने सोचा कि एकदम शांति से बनाएंगे, आप तक बात पहुंचाएंगे, जो मुझे कहना है वो आप तक पहुंचे, इसलिए ये लास्ट रिटेक है मेरा। अगर गलती से कुछ मुंह से निकल जाए तो प्लीज संभाल। परेड का वायरल वीडियो 4 मई का, मणिपुर के कामपुर जिले के बी विनो गांव के पास की घटना। भीड़ ने तीन कुकी महिलाओं को, 4 मई को ये घटना हुई है। मुझे बताओ मणिपुर की पुलिस क्या सो रही थी, वहां के लोग क्या सो रहे थे जो उनको ये सब हुआ वो मालूम नहीं। अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है तभी समझ में आ रहा है, अरे यार क्या चल रहा है ये देश में। हाँ सब कुछ रोको, वो ईडी सीबीआई, ये तुम्हारा पॉलिटिक्स का सब चल रहा है ना, इसको पकड़ो उसको पकड़ो अपना सरकार लाओ, ये सब छोड़ो और पहले तो मानवता को ध्यान दो, मानवता के ऊपर ध्यान दो, लोगों का क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या दिक्कतें है वो देखो। भाइयों वैसे तो मुझे वीडियो बनाने की आदत नहीं है, चलो आप सबके लिए मैंने, आप सबके लिए भी नहीं, इन जो इनके ऊपर अत्याचार हुआ है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप सब लोग सपोर्ट करोगे, इनके लिए जस्टिस मांगोगे, और बाकी की वीडियो पूरी आप देख लो, आपको समझ में आएगा कि क्या है, जिन लोगों ने नहीं मालूम कि क्या हुआ है कुछ नहीं। महिला के साथ दिन दहाड़े बलात्कार किया गया, देखो क्या किया। पर वीडियो में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर ले जाते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कई युवा उनके साथ साथ चल रहे हैं, भीड़ निरीह लाचार महिलाओं को खेतों में खींच कर ले जा रही है। सरेआम चीर हरण की ये तस्वीरें सन्न करने वाली है, स्तब्ध करने वाली है। देखिए देखिए वो देखिए, घटना मई की थी लेकिन ये वायरल हुआ 19 जुलाई को, यानी तकरीबन 77 दिन बाद। पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। एक वेबसाइट पर पीड़ित महिलाओं में से एक का बयान आया है, पीड़ित महिला का बयान। जब हमने सुना कि मैतई भीड़ पास के गांव में घरों को चला रही है तो हमारा परिवार और बाकी लोग भाग निकले, लेकिन भीड़ ने हमें घोच लिया।
हमारे पड़ोसी और बेटे को थोड़ी दूर ले जाकर मार दिया गया। इसके बाद भीड़ ने महिलाओं पर हमला करना शुरू कर दिया और उन्होंने हमसे कपड़े उतारने के लिए कहा। हमने इसका विरोध किया। इसके बाद उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम कपड़े नहीं उतारोगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इसके बाद खुद को बचाने के लिए मैंने कपड़े उतार दिए। इस दौरान वहां मौजूद पुरुषों ने मुझे थप्पड़ और मुक्के मारे। मुझे पता नहीं चला कि मेरी 21 साल की पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो कुछ दूरी पर थी। पीड़ित महिला ने जो ब्यौरा दिया है वो सुनकर आत्मा सिहर जाएगी। ये सोचकर भी कांप जाएंगे कि तालिबानी बर्बरता और क्रूरता से भी जघन्य यह मामला है। पीड़ित महिला एक वेबसाइट में दिए इंटरव्यू में बताती है। पीड़ित महिला की आंखों देखी, मुझे सड़क के पास एक धान के खेत में खींच लिया गया और पुरुषों ने लेटने के लिए कहा। इसके बाद मैं खेत में लेट गई। 3 लोगों ने मुझे घेर रखा था। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, चलो इसका रेप करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं भाग्यशाली थी कि मेरे साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे शरीर को छुआ। इंसानियत को दफन करने वाली ये घटना 4 मई को धौबल जिले में हुई और इस मामले में 18 मई को कांगपोकपी जिले में 0 FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद मामला धौबल के पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या की धाराओं में FIR दर्ज हुई। हालांकि 77 दिनों में जब वीडियो वायरल नहीं हुआ था तब ना तो पुलिस जागी थी और ना ही राज्य की सरकार, एक सिंगल अरेस्ट नहीं हुआ था। अब 2.5 महीने बाद वीडियो वायरल होने पर राज्य की पुलिस मशीनरी एक्टिव हो गई है और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है। एक नजर डालते हैं धौबल की घटना में दर्ज FIR पर। क्या कहती है FIR? हमलावर 4 मई को दोपहर 3 बजे आए, हजारों की भीड़ का बी विनोद गांव पर धावा। हमलावर AK-47 SLR से लैस थे, इंसास और .303 राइफल्स जैसे हथियार भी थे। हमलावरों ने घरों में तोड़फोड़ की, लूटपाट के बाद घरों में आग लगा दी। मैतई संगठनों से जुड़े थे हमलावर। इस घटना में गांव के 5 लोग पीड़ित, ये 5 जान बचाने के लिए भागे। इनमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थी। 5 लोगों के ग्रुप में 3 एक ही परिवार के थे। एक व्यक्ति, उसका 19 साल का बेटा और 21 साल की बेटी। 2 अन्य महिलाओं में एक 42 की और दूसरी 52 साल की थी। जंगल के रास्ते में उन्हें पुलिस टीम ने बचाया, लेकिन रास्ते में हिंसक भीड़ ने 5 को कब्जे में ले लिया, 56 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी, ग्रुप की 3 महिलाओं के कपड़े उतरवा लिए, 21 साल की युवती से दिन दहाड़े सामूहिक बलात्कार। युवती के भाई ने बहन को बचाने की कोशिश की, भीड़ ने उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया। अन्य 2 महिलाएं मौके से भागने में सफल रही। वायरल वीडियो में केवल 2 महिलाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन 50 साल की एक अन्य महिला भी थी जिसे भीड़ ने अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया था। जातीय हिंसा से थदक रहे मणिपुर में महिलाएं आसान शिकार बन गई हैं। महिलाएं आसान शिकार। 4 जून को एम्बुलेंस में आग लगाई, पश्चिम इम्फाल जिले की घटना। एम्बुलेंस में सवार महिला और उसके बच्चे की मौत। इम्फाल पूर्वी जिले में एक महिला की गोली मारकर हत्या। 6 जुलाई को पश्चिम इम्फाल में एक महिला की गोली मारकर हत्या। मणिपुर की घटना से देश स्तब्ध है, राज्य के लोग भी विचलित हैं। The situation is really tense at the moment in Manipur and I'm really disturbed over the video that has been circulating on social media. I think it's high time for the administration to act strictly
and all the culprits should be booked at the earliest. We want the entire country to stand by us at this crucial time. And I appeal the center and state government to quickly restore peace in Manipur. Manipur ki dehla dene wali ghatna par देख लिया दोस्तों, तो ये है स्थिति मणिपुर की। और हमारे गवर्नमेंट के जो नेता हैं, जो हमारे सरकार है, ये अभी भी शांत है। मोदी जी ने अभी तक स्ट्रिक्ट कोई एक्शन नहीं ली, या कोई स्ट्रिक्टली जो पुलिस ऑफिसर्स है या जो भी उनके क्या बोलते टीम्स रहते हैं, मुझे इतना पता नहीं, तो उनको अभी तक ऑर्डर नहीं दी कि आप स्ट्रिक्टली एक्शन लो, ये सब रोको। वहाँ पे खुले आम ये सब हो रहा है और हमें पता भी नहीं। सोशल मीडिया पे भी कुछ आने नहीं दिया, ये नहीं वो भी छोड़ दो, चलो सोशल मीडिया पे आने नहीं दिया ये सब। वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे, सो रहे हैं क्या? वहाँ के पुलिस, वहाँ के जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, वो क्या सो रही थी? ये सब हो ही क्यों रहा है और हो कैसे रहा है? मोदी जी, आपको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, देख लिया? ये तो मुसलमान भी नहीं है। तो अगर हमारे ही लोग हमारे लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो इससे तो अच्छा है कि जो हमारे देश में मुसलमान है, जो दूसरे कास्ट के लोग हैं, वो इनसे अच्छे बेहतर है ना। हमारा भारत देश है, हमारा इंडिया है, वो जैसा है सब रिलीजन्स को लेके चल रहा है, वो अच्छी बात है। ये जो हम रिलीजन्स का आतंक मचा रहे हैं कि ये रिलीजन ऐसा है, ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग अच्छे नहीं है, जो हमारे जो छोटे भाई बहन रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके मन में हम ये फैलाते कि यह ऐसा ही रहता है, ये रिलीजन अच्छा नहीं रहता, तो ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये उसका परिणाम है। मणिपुर में ये कुछ एक दिन में नहीं हुआ है, वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने एक कास्ट के साथ रहेंगे, दूसरे कास्ट वालों को नाम रखेंगे, उनको गालियाँ देंगे, तो क्या होता है ना, जो पावर में रहते हैं, जिनके सपोर्ट में वहाँ के लोग रहते हैं, वो लोग या ऐसे फालतू चीज़ें करते हैं, या ऐसा डेरिंग करते हैं कि हाँ चलो हमको कौन कुछ करने वाला है क्या, हम करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ये सब चीज़ें रोकनी चाहिए। वैसे तो सच बताओ तो बहुत सारे गालियाँ देने का मन कर रहा है, लेकिन जाने दो, मुझे अभी कंट्रोल नहीं हो रहा वो। तो बस भाइयों, थैंक यू, और जस्टिस मांगो मणिपुर के वुमन्स के लिए, वहाँ के जो लोग मर गए हैं उनके लिए, और ये सब रुकना चाहिए। थैंक यू।